जय हिंद गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई। तो गाइस, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको यह महसूस होगा कि आपकी स्टडी किस तरीके से चल रही है और आप में कितना इंप्रूवमेंट महसूस हो रहा है। मैं आपके लिए डेली 15 क्वेश्चन लाता हूँ गाइस, और इन 15 क्वेश्चन में आपको नीचे कमेंट्स करना है कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। और यह जो है पेपर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहा होगा तो आप लोग इस तरीके से ही स्टडी करें अपनी आगे की एग्जाम के लिए। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिएगा, तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो 16वें नंबर का क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया है। और यह सीरीज का कौन सी क्लास है यह, और क्लास नंबर 6 है यह, और सभी क्लासेस को आपको देखना है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशन, मतलब क्या है, इंक्लूशन नहीं है। देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके लिए क्या रखा गया है कि आपका बैक्टीरिया में गैस रिक्तिकाएं, साइनोफाइसिन कोशिकाएं, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका, फास्फेट कणिकाएं। तो क्या आंसर होगा गाइस, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, अगर आपने सी किया है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रोमोटीन की रासायनिक संरचना है। देखिएगा, केवल डीएनए, हिस्टोन और गैस हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन और गैस हिस्टोन और आरएनए, केवल डीएनए हिस्टोन और केवल डीएनए और आरएनए। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर क्या सर जी, सेकेंड, ठीक है, डीएनए हिस्टोम और गैस हिस्टोम और आरएनए, मतलब चारों आपका सही आंसर। ठीक है, क्या होगा आपका, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सा आपका, डीएनए हिस्टोन और गैस हिस्टोन और आरएनए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चूज किया है तो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आपको समझ में आना है। भ्रूण कोश की निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सी एंजियोस्पर्म के भ्रूण के निर्माण में भाग लेती है, तो कौन सी भाग लेती है यह आपको बताना है। चलेगा, उपर्युक्त सभी, या फिर आपका अंड कोशिकाएं, या फिर आपका क्या है, प्रतिध्रुवस्थ, या फिर केंद्रीय कोशिकाएं। तो अगर आप सभी विद्यार्थियों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही होगा, एंटीपोडल इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रतिध्रुवस्था। ठीक है, अगर आपका सी है तो आपका करेक्ट है। चलेगा, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टीआरएनए के लिए सत्य नहीं है। गाइस, मैं आपको बता दूं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जो है ये जेनेटिक्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले आप लोग, डीएनए और आरएनए का, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्जाम में। चलेगा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या रखा गया है, इसकी भूमिका एमिनो एसिड में एमआरएनए कोडान में ले जाने की होती है। यह एल आकार में मुड़ा हुआ क्लोवर यानी तिपतिया के पत्तियों जैसी आकार का होता है। जी, आपका जिंदगी बहुत अल्प, 2 मिनट से 4 घंटे की होती है, और स्थानांतरण के बाद निम्नीकृत हो जाती है। इनमें लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए मौजूद होते हैं। तो देखिएगा, अगर आप सभी बच्चों ने आंसर चूज किया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, कि जिंदगी बहुत अल्प है, 2 मिनट से 4 घंटे की ओर है, और स्थानांतरण के बाद निम्नीकृत हो जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सही है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह समानता दर्शाता है। इनमें पहला ऑप्शन आपके सामने है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, केवल माइटोकांड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया। मेरे आपने क्या आंसर किया है, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ, तो आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। गाइस, और थोड़ी सी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा,
जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनमें से कोई रेयर कंडीशन में होता ही नहीं आंसर। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, इसे तो आप लोग कट कर दीजिए। अगर माइटोकांड्रिया भी है और आपका क्लोरोप्लास्ट भी है तो आपका दोनों राइट आंसर होगा, ठीक है। यह भी ध्यान दीजिए, या अगर आपको ऑप्शन में दे दिया उसने दोनों हो सकता है तो आपको दोनों वाली कंडीशन लगाना है और उपयुक्त सभी वाली भी अधिकतर लगाना है। तो ये थोड़े से ट्रिक्स है जो आपको फंस जाएंगे आप कहीं तो आपको निकालने में काम आएंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। भोजन खराब होने का कारण क्या है, ये तो आपको डेली यूज में लाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला आपका केवल ब्राउनिंग और ब्रीजिंग के कारण, केवल अवांछित रोग, चले केवल क्या दिया है, केवल अवांछित रोग जनन सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास के लिए, केवल कीड़े और अन्य भागों के संरक्षण के लिए, संक्रमण के लिए। तो देखिएगा, उपयुक्त सभी ही ज़्यादा आंसर होगा आता, बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर उपयुक्त सभी करेंगे, पर आपको ऑप्शनों को क्या करना है, नोट डाउन करना है और याद भी करना है। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसे आप लोग याद भी करिए, बार बार वीडियो को देखिए, ज़्यादा लंबा तो नहीं होता वीडियो आपका, 10 से 15 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे गाइस हम, इसलिए जो है रिविज़न करने के लिए मैं आपको इसलिए बार बार बोलते रहता हूँ। चलेगा, यह क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका, हेट्रोसीन की मुख्य विशेषता क्या है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपके लिए केवल संकरण किस्म F1 उपज आपका अनुकूलन गुणवत्ता और परिकल्पता में दोनों जनकों का श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है, या फिर केवल श्रेष्ठता अनुवांशिक नियंत्रक के तरह होता है, उपयुक्त सभी, या केवल श्रेष्ठता विशिष्टता वातावरण में क्या होता है, पुनर्उत्पादी है। चलेगा, अगर आप सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं उपयुक्त सभी तो बिल्कुल सही है। देखिए, हमने आज दो क्वेश्चन किया जिसमें से दोनों में क्या है, उपयुक्त सभी आंसर आ चुका है। तो देखिएगा, मेरी बात सत्य होती है ना, बिल्कुल सत्य ही, जो हमने कहा बिल्कुल सत्य ही होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिए। देखिएगा, इसमें फूड चेन के बारे में दिया है, दी गई श्रृंखला में सर्प की स्थिति बताना है कि कहाँ पर सर्प की स्थिति आएगी, घास, टिड्डा, मेंढक या फिर सर्प, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अवघटित या फिर प्रथम उपभोक्ता। तो आपको बताना है कि सांप की स्थिति ये कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आएगी। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर चूज किया है तृतीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही आंसर होगा। एग्जामिनर देखिएगा, इसे जो है प्रथम भी दे सकता था, इसमें द्वितीय भी, तृतीय भी, ये ऑप्शन को देखना है आपको, ना ही आपको क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है। ऑप्शन मेन दिखा है, अगर आपने देख लिया सर जी ये तो तृतीय उपभोक्ता में आएगा तो तीसरा आंसर लगा के आगे निकल लिया, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन अब क्या दे दिया, एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपका कितना माइंड शार्प चलता है, एग्जाम में कोई लोड लेके नहीं बैठेगा। चलिएगा, आगे देखते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखा है, पूछा है आपसे कि अंतरावस्था केंद्र में देखे जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं के ढीले आपका अस्पष्ट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पाद है कौन सा, क्रोमोनिमा, क्रोमोटीन, क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिड होगा। तो चलिएगा, आंसर देखते हैं क्या होगा, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है क्या, क्रोमोटीन, क्रोमोटीन आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है, जो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी इसका चूज़ किया होगा। चलेगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। देखिएगा, सेकेरम बारबरी योम जो है आपका, सेकेरम ऑपिसिनमर इसकी भिन्न किस्में हैं, मतलब ये किस्में किसकी है, चावल की है, गेहूं की है, मक्का की है या फिर गन्ने की है। तो ये किस्म की बात कर लूँ आप लोग के लिए, तो ये गन्ने की किस्म होती है और गन्ने की फसल एक बार में आप लोग लगाते हैं तो तीन बार इसे हम लोग काट सकते हैं, और ये मैंने आपको जो है क्लास में करवा भी दिया है, ये गन्ने वाला टॉपिक जो है आपका, ये गन्ने वाला, ये आपका उत्पाद वाला, ये सब कुछ टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। विषाणु के बारे में पूछा है, विषाणु विशेष रूप से खालिस्तान होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी, उपरोक्त सभी या फिर स्वपोषी होते हैं। चलेगा, देखिएगा क्या आंसर आपका होता है सही। वायरस के बारे में इसने पूछा है, तो वायरस का क्या होगा, यह परजीवी होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, अगर पता है तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सभी ना लगाइए। देखिएगा, मृतोपजीवी तो होते नहीं, स्वपोषी तो होते नहीं, मतलब अगर एक नहीं होता तो आप लोग फिर समझ लीजिएगा कि यह नहीं हो सकता, कोई भी एक होगा। तो परजीवी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा इस आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत युग्मक है,
टाइफाइड विषाणु से होता है क्या, टीबी बैक्टीरिया से होता है क्या, दाद कवक से होता है क्या, आलू सिपिक्स आपका ट्यूमर रोग कैसे होता है, वायरस से होता है क्या, देखिएगा। और आप लोग ये भी गलती ना करें कि देखिएगा ये रोग हमने पढ़ा नहीं है, कौन सा आलू स्पिडल ट्यूबर रोग, तो ये मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हमने टाइफाइड भी पढ़ लिया, टीबी भी पढ़ लिया, दाद भी पढ़ लिया सर जी, तो ये तो हमने सब पढ़ रखा है, ये नहीं पढ़ रखा है, तो क्या ये आंसर होगा क्या, ऐसी गलती ना करें। आपको पता है सत्य सत्य ही लगाइए, ये मत सोचिए कि सर ये नहीं पढ़ा तो यही क्या आंसर होगा क्या, ठीक है। तो देखिएगा टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ना ही कि आपका विषाणु से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखना है। चलिए, और रोग वाला टॉपिक भी मैंने करवा दिया आपके लिए, अगर नहीं किया होगा तो रिविजन कीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने उसका लिंक भी दे रहा है सभी क्लासेस का। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान आपका फाइबर बनते हैं, स्पिडन तंतु बनते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या फिर टीलोफेज, चार प्रकार की जो आपके ऑप्शन रखे हैं उस ऑप्शन से ही आपको आंसर चूज करना है। तो देखिएगा आंसर क्या होगा, अगर आपने मेटाफेज आंसर किया है, ऑप्शन नंबर ए ही चूज किया है, तो आपका करेक्ट होगा, ठीक है, मेटाफेज आपका करेक्ट आंसर होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर किया है। चलिएगा देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि mRNA संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अवांछित DNA रिंजन से हटा दिया जाता है, एमिनो अम्ल के कूटन खंडन, मतलब आपका कोडिंग रीजन्स जोड़े दिए जाते हैं, मतलब जोड़ दिए जाते हैं, किसमें, कैपिंग में, या फिर आपका टर्मिनेशन में, या फिर आपका किसमें सर जी, स्प्लिंग या स्पाइसिंग में, या फिर आपका मेथिलीथीकरण में, चलिए बताइएगा आपका। तो देखिएगा आप सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है, क्या होगा आपका संबंधन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जो बहुत सारे बच्चों का सही भी आया होगा। चलेगा बढ़ते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्या पूछा गया आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया आपका वह प्रक्रिया इस नाम से भी जानी जाती है जिसे कोशिकाएं मूल शीर्षक और प्रहो शीर्षक विभोज्य ऊतक से प्राप्त होती है, कैम्बियम अपनी कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य दोनों में कुछ बड़ी संरचनात्मक परिवर्तनों से होकर गुजरता है, वृद्धि परिकल्पता या फिर विकास या फिर आपका विशिष्टीकरण, तो अगर आप सभी बच्चों ने चूज़ किया है विशिष्टीकरण ऑप्शन नंबर डी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा आपका विशिष्टीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपने चूज किया होगा। तो गाइस ये थे हमारे कौन से 30, हमने कितने किया 15 क्वेश्चन आज भी किया है, कल जो है हम लोग आज जो है कौन सा टॉपिक कर रहे थे, आज हम जो है आपका बॉटनी टॉपिक कर रहे थे, कल जुला जी के 15 क्वेश्चन करेंगे, और आशा करता हूँ आपको इन्हें थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस कि आपकी जो है आपको रिविजन करने भी आसानी हो और आप लोग इस पैटर्न नंबर भी पढ़ते जाए और आपका जब एग्ज़ाम आते तक यह सब भी कंप्लीट हो जाए। अगर मैं 30-30 क्वेश्चन करवाता हूँ तो ये जल्दी हो जाएगा और आप लोग क्या हो भूलते चले जाएंगे, तो भूलना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूँ। तो आशा करता है आपको यह सेशन समझ में आया होगा, आप लोग शेयर करना है, सभी विद्यार्थियों को बताना है सर की यह क्लास ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 12th में भी बच्चा है गाइस उसे भी बताइए, अगर जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह। और गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके थ्रू दूसरा भी बच्चा यहाँ से सीख सके, आपको तो बेनिफिट मिल जाता है, बट जो दूसरा बच्चा जो ऑफलाइन कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाता है उसके लिए एक ऑनलाइन अच्छा प्लेटफॉर्म समाधान स्टडी है, जो आपको हर लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको क्लास में ज्वाइन होना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा तो आप सभी का धन्यवाद गाइस, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर से मिलूंगा आपको, नमस्ते, जय हिंद।